सोचिए जरा उस वक्त क्या स्थिति होगी जब पुलिस वालों से ज्यादा हथियार बदमाशों के पास होंगे। सुनकर ही हैरानी हो रही होगी। गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है उससे तो कुछ ऐसी ही स्थिति बयां हो रही है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लाइसेंसी हथियार धारक मौजूद हैं, जो कि बाकी राज्यों की तुलना में कई गुना ज्यादा हैं। राज्यों में लाइसेंस का आंकड़ा, राजस्थान 133,968, कर्नाटक 113,631, महाराष्ट्र 84,050, बिहार 82,585, हिमाचल प्रदेश 77,079, उत्तराखंड 64,770, गुजरात 60,784, पश्चिम बंगाल 60,525, जम्मू कश्मीर 3,69,000, उत्तर प्रदेश 12,77,000, यूपी में लगभग 12,77,000 लोगों के पास हथियार रखने का लाइसेंस है और ये राज्य बंदूकों के लाइसेंस वाले प्रांतों की सूची में सबसे ऊपर है। जबकि दूसरे स्थान पर आतंकवाद प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर है, जहां लगभग 4,00,000 लोगों के पास बंदूक रखने का लाइसेंस है। जबकि यूपी पुलिस के पास पब्लिक से 5 गुना कम हथियार है, जो कि सरकार के लिए चिंता का भी विषय है। 31 दिसंबर 2016 के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बंदूकों के जारी लाइसेंस की संख्या कुल 33,69,444 है, जिसमें कि ज्यादातर लोगों ने निजी सुरक्षा के नाम पर लाइसेंस लिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि अगर पुलिस से ज्यादा असलहे जनता के पास हैं, तो ये सही नहीं है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन हथियारों की होली जला देनी चाहिए। अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है कि थाने में जितने असले होते हैं उससे ज्यादा असले जनता पर नहीं हो सकते। तो कानून अगर वो है तो उस कानून का और पालन कौन नहीं कर रहा है? तो ये तो कानून पहले से है कि थाने में जितने असले होने चाहिए उससे ज्यादा जनता पे असले नहीं होने चाहिए। उस पर जांच कर लो कितनी सरकारों ने उनका नहीं माना है। वहीं यूपी दिवस पर लखनऊ आए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य में अपराध को रोकने के लिए सभी हथियारों के लाइसेंस वापस लेने का सुझाव दिया था, जिसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हथियारों को लेकर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि यही वो हथियार हैं जो यूपी में अपराध को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। घटनाएं हो रही, घटना का ये मुख्य कारण है लोगों के पास हथियार वापस करें। जो अनधिकार रूप से जिनके पास हथियार है वो सबरे पहरे वापस करना। मुझे मालूम है कुछ लोग उससे नाखुश होंगे, दुखी भी होंगे। अरे वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति आके ऐसा सलाह दिया जी को, हमारा क्या होगा? बहरहाल नेताओं के इन बयानों से और सामने आए इन आंकड़ों से साफ है कि गणतंत्र में गणतंत्र तेजी से हावी हो रहा है और अगर जल्द ही इस पर काबू नहीं किया गया तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।